हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास सिक्स बायोलॉजी वीडियो ऑफ लेसन नंबर फोर, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। पार्ट वन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, दिस इज़ पार्ट टू, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट अदर ग्लैंड्स take part in the digestive system. So let's start. The digestive system in our body perform all the function related to जो हम digestion के बारे में बेटा पढ़ते हैं ना, we have read in the previous video about the digestion. जो भी process है हमारा, ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion, this all process it's done in the digestive system. ये सारे का सारा process digestive system के अंदर होता है, ठीक। जो भी इसने लिखा है उसके बाद क्या आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट टू पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसके अंदर दो पार्ट्स आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल आएगा, दूसरा आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। अब बोलोगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बेटा ये ना आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जिनके अंदर से कोई ना कोई लिक्विड जो है बाहर आता है, ठीक है। सारे ग्लैंड्स में से कुछ ना कुछ लिक्विड बाहर आता है, ठीक। सो एलिमेंट्री कैनाल, हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये क्या है, ये एक लॉन्ग जो है हमारे पास ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होके कहाँ तक चलता है, एनस तक जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स टेक पार्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरेक्स, देन ईसोफेगस। प्रोनाउंसिएशन इज ईसोफेगस, अनदर नेम इसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको, राइट। एंड देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये आपका एक छोटा क्वेश्चन हो गया 1 मार्क के या 2 मार्क के लिए कि कौन से ऑर्गन्स दैट टेक पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माउथ से लेके एनस। एंड देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, और हमारी जो लॉन्गेस्ट ग्लैंड होती है दैट इज लीवर। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर उसने क्या करा है कि जो बेटा, अभी एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो भी डाइजेशन होती है ना, डाइजेशन ये नहीं है कि यहाँ से खाना गया यहाँ पहुँचा स्टमक में देन इट गेट स्टार्ट डाइजेस्टिंग, नो, डाइजेशन गेट स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन मुंह से ही, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। द माउथ वेयर इज़ द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। फूड इज़ इंजेस्टेड, जो हम खाना खाते हैं थ्रू द माउथ विच ओपन्स इन टू द स्मॉल चैम्बर कॉल्ड माउथ कैविटी और वकल कैविटी, राइट। फूड जो हम इंजेस्ट, जो हम फूड जो है इंजेस्ट करते हैं थ्रू द माउथ, वो आगे जाके हमारे पास एक स्मॉल चैम्बर आता है दैट इज़ कॉल्ड वकल कैविटी, राइट। उसके अंदर वो ओपन होता है उस चैम्बर में, देन इसका मेन फंक्शन क्या है, सी ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू रिसीव फूड। जो वोकल कैविटी है उसका, जो माउथ कैविटी है उसका मेन फंक्शन इज़ टू रिसीव फूड एंड स्टार्ट डाइजेशन। सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द माउथ। बिफोर यू स्टडी द कोर्स ऑफ इंजेस्टेड फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल लेट अस स्टडी आवर टीथ। अभी हम क्या करेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। टीथ, यू वेरी वेल नो अबाउट द टीथ बेटा, कि जो हमारे टीथ हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हमारी पूरी होल लाइफ में दो सेट टीथ के अपीयर होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ एंड दूसरे, सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ, ठीक। मिल्क टीथ कौन से होते हैं, जो फर्स्ट सेट अपीयर होता है जो छोटे बच्चों में, लाइक नॉर्मली अपीयर्स बिटवीन 6 और 7 मंथ्स ऑफ एज, राइट। 6 to 7 मंथ्स ऑफ एज के अंदर ये अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द मिल्क टीथ आर ऑल्सो कोल्ड टेम्प्रेरी और डेसीडुअस टीथ,
इनको टेम्पररी भी बोलते हैं और डेसीडियस टीथ भी बोलते हैं. दीज आर 20 नंबर. ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए. इवन यू मस्ट नो आफ्टर रीडिंग दिस दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इनका डिफरेंस भी आपको पता हो जाना चाहिए इन द एंड. ओके, दीज आर 20 नंबर एंड फॉल ऑफ कब टूट जाते हैं. फॉल ऑफ और शेड ऑफ बिटवीन 6 एंड 12 ईयर्स ऑफ एज. अपीयर कब होते हैं 6 टू 7 मंथ्स ऑफ एज में. और कब फॉल ऑफ कब हो जाते हैं टोटली सारे के सारे मिल्क टीथ कब फॉल कर जाते हैं. 6 से लेके 12 ईयर तक ये फॉल कर जाते हैं. एंड दे रिप्लेस्ड. उसके बाद क्या होता है हमारे उन्हीं जहाँ से हमारा कोई भी दांत जो है टूथ जो है वो शेड ऑफ होता है फॉल ऑफ होता है वहाँ पे न्यू जो टूथ है वो अपीयर होता है. सो इज दैट दे आर रिप्लेस्ड विद अ न्यू सेट ऑफ टीथ विच रिमेन फॉर द जो हमारी पूरी लाइफ के लिए वही सेट रहता है. अगर हमारे परमानेंट टीथ जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं अगर परमानेंट टीथ कभी भी गिर जाएँ तो वो कभी वापस नहीं आते. मीन्स वंस द परमानेंट टूथ fall off it can never appear again. Milk teeth replaced with permanent teeth but permanent teeth can never be replaced. Okay, so permanent teeth they are 32 in number. Milk teeth are 20 in number. ओके दिस बेटा ये काउंटिंग इट्स नॉट फिक्स्ड कि यही होती है लाइक ये चेंज हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि हर एक में 20 होंगे हर में 32 ही होंगे. नो दे कैन बी चेंज. किसी में 28 हो सकते हैं 30 हो सकते हैं 31 हो सकते हैं किसी में 32. मींस ह्यूमन के अंदर 32 से ज़्यादा टीथ जो है नहीं पाए जाते. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीथ. जो परमानेंट टीथ आते हैं उनकी क्या टाइप्स हैं. टाइप ऑफ टूथ फर्स्ट वन इज इंसीजर. Incisor structure is given here and then their function, number in each jaw means जो हमारे मुँह का upper jaw होता है एक lower jaw होता है. Like this, this is the upper jaw and this is the lower jaw. तो इसके अंदर उसने हमें बताया कि कितनी तरह के हमारे अंदर दांत होते हैं. First one is incisor. Incisor बेटा ये वाले जिसके साथ हम apple को bite करते हैं कभी भी खाते हैं इनके साथ खाते हैं ना. एप्पल को वाइट करेंगे इधर से थोड़ी करते हैं सामने वालों दांतों से करते हैं. राइट, दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स. फंक्शन इज बाइटिंग और कटिंग. किसी चीज़ को वाइट करना कट करने के लिए यूज होते हैं. नंबर इन ईच जॉ. फोर टीथ होते हैं अपर जॉ में और फोर जो है वो लोअर जॉ में होते हैं. तो टोटल कितने हो गए 8 होते हैं इंसीजर हमारे अंदर. देन कैनाइन. कैनाइन कौन से होते हैं. दीज आर जो थोड़े लंबे और तीखे दांत होते हैं हमारे जिसके साथ हम चीज़ों को फाड़ते हैं. कभी भी कोई चीज़ को छीलना होता है ना तो इनके साथ छीलते हैं टियर करते हैं. राइट, दीज आर कैनाइन एंड टू इन ईच जो होते हैं. दो अपर जो में एंड टू इन द लोअर जो. नेक्स्ट इज प्रीमोलर. प्रीमोलर एंड मोलर. ठीक, प्रीमोलर्स दैट आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड सेम फंक्शन इज ऑफ मोलर्स. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दोनों का सेम ही फंक्शन होता है बेटा. प्रीमोलर जो है वो पहले अपीयर होते हैं मोलर्स बाद में जो एंड वाले होते हैं हमारे दांत ना जिनको आप पंजाबी में हिंदी में दाढ़े बोल देते हो कि दाढ़ आ गई है दैट थिंग. राइट, एंड प्रीमोलर्स आर 4 इन अपर जो 4 इन लोअर जो एंड मोलर्स आर 6 इन अपर जो एंड 6 इन लोअर जो. राइट, तो ये काउंटिंग सारी आपको अच्छी तरह से आती होनी चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर दैट कि हाउ मेनी इंसीजर्स अपीयर इन द अपर जो हाउ मेनी इन लोअर जो. ये आपको सारा सेट और इनके फंक्शंस ये प्रॉपरली पता होना चाहिए. एंड लास्ट थिंग ही सेड डिड यू नो द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड द विजडम टूथ. कि जो हमारा लास्ट मोलर होता है उसको विजडम टूथ कहते हैं. आप लोगों ने माइट भी सुना होगा कि पंजाबी में बोल देते हैं कि अकल दाढ़. ठीक है, जब हमारी कुछ एज हो जाती है ना मेच्योर हो जाते हैं 17 to 20, 22, 23 ईयर्स तब जाके एक हमारी दाढ़ आती है हमारे मोलर्स अपीयर होते हैं जिसको विजडम टूथ बोला जाता है. और लाइक ये मेच्योरिटी में आता है इन सम पीपल. कुछ लोगों में इट डजेंट अपीयर अपीयर नहीं होता. यू सेड इट डजेंट मीन कि अगर इनमें ये वाली लाइक विजडम टूथ नहीं आता है देन दे आर नॉट विजडम. ऐसा नहीं है, वो विजडम होते हैं. ठीक है, तो लाइक
ये एक तरह से उसने फन फैक्ट सा बता दिया है कि मैच्योरिटी में हमारे जब मैच्योर हो जाते हैं तब विजडम टूथ आता है, जिनमें नहीं है इट डजंट मीन कि वो विजडम नहीं है. राइट, अप टू हियर इट्स डन नाउ एंड वॉच द वीडियो केयरफुली. थैंक यू बेटा.